आईएसबी रडार पे कहा जा रहा है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो ईडी के रडार पे हैं, और जिस तरह से कल कार्रवाई हुई है आप कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनने गलत किया है तो वो गलत है, वो उनका कृत्य गलत है। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, बुराई होती है, कमी होती है, विशेषताएं होती हैं, तो कहीं कमी है वो भी बात में सामने आएगी। पूरा व्यक्ति कोई खराब पूरा नहीं होता, पूरा दोषी नहीं होता, उसके चरित्र के कुछ हिस्से हैं, उसके आचरण के कुछ हिस्से हैं जो हो सकता है खराब हो, बहुत हिस्से हैं जो अच्छे हों। कोई खराब बात सामने आती है और वो कानून के विपरीत जाती है तो फिर कार्रवाई की बात आती है। सोमा चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है उन्हें बचाने के लिए, क्या कहेंगे? सरकार क्यों ताकत झोंकेगी? मुख्यमंत्री का ट्वीट करके कि हम लड़ेंगे जीतेंगे। नहीं लड़ेंगे, मतलब सोमया चौरसिया जी लड़ेंगे, प्रशासन की अंग है तो प्रशासन के ओर से एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जो कार्रवाई होती है उसमें जो करना चाहिए वो प्रशासनिक अमला अपनी तरफ से देखेगा। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में जांच क्यों नहीं होती? ये कोई मानेगा कि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं हो सकते? तो केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर जांच क्यों हो रही? इसलिए एक संवैधानिक संस्था जिसको हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के नाम से जानते हैं, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूप में जानते हैं, ये केवल ऐसे ही जगह क्यों इस प्रकार की बात कर रहे हैं? उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये कारण विशेष से ढूंढ के ऐसे प्रकरण किए जाए। दो चीज है, एक द्वेष भावना से करना, दूषित भावना से करना, और दूसरी गलती होना। गलती कही है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, द्वेष भावना से हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। आप अनावश्यक अगर किसी को परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, अपना रास्ता निकालने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमने अनेकों जगह देखा कि राजनीतिक फेरबदल भी इस बेसिस पे उनने करने की कोशिश की और सफलता भी हासिल की, ये निंदनीय है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कहीं गलती है तो कौन कहेगा कि कार्रवाई ना हो? आईएसबी रडार पे कहा जा रहा है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो ईडी के रडार पे हैं, और जिस तरह से कल कार्रवाई हुई है आप कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनने गलत किया है तो वो गलत है, वो उनका कृत्य गलत है। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, बुराई होती है, कमी होती है, विशेषताएं होती हैं, तो कहीं कमी है वो भी बात में सामने आएगी। पूरा व्यक्ति कोई खराब पूरा नहीं होता, पूरा दोषी नहीं होता, उसके चरित्र के कुछ हिस्से हैं, उसके आचरण के कुछ हिस्से हैं जो हो सकता है खराब हो, बहुत हिस्से हैं जो अच्छे हों। कोई खराब बात सामने आती है और वो कानून के विपरीत जाती है तो फिर कार्रवाई की बात आती है। सोमा चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है उन्हें बचाने के लिए, क्या कहेंगे? सरकार क्यों ताकत झोंकेगी? मुख्यमंत्री का ट्वीट करके कि हम लड़ेंगे जीतेंगे। नहीं लड़ेंगे, मतलब सोमया चौरसिया जी लड़ेंगे, प्रशासन की अंग है तो प्रशासन के ओर से एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जो कार्रवाई होती है उसमें जो करना चाहिए वो प्रशासनिक अमला अपनी तरफ से देखेगा। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में जांच क्यों नहीं होती? ये कोई मानेगा कि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं हो सकते? तो केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर जांच क्यों हो रही? इसलिए एक संवैधानिक संस्था जिसको हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के नाम से जानते हैं, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूप में जानते हैं, ये केवल ऐसे ही जगह क्यों इस प्रकार की बात कर रहे हैं? उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये कारण विशेष से ढूंढ के ऐसे प्रकरण किए जाए। दो चीज है, एक द्वेष भावना से करना, दूषित भावना से करना, और दूसरी गलती होना। गलती कही है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, द्वेष भावना से हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। आप अनावश्यक अगर किसी को परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, अपना रास्ता निकालने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमने अनेकों जगह देखा कि राजनीतिक फेरबदल भी इस बेसिस पे उनने करने की कोशिश की और सफलता भी हासिल की, ये निंदनीय है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कहीं गलती है तो कौन कहेगा कि कार्रवाई ना हो?